चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात पर चर्चा करते हैं। क्या आप सबने कभी सोचा है कि जो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स या चॉकलेट जैसी चीजें हम खाते हैं, उनके बचे हुए रैपर और बोतल का क्या होता है? बल्कि ये है ही क्या, इन्हीं की तरह इस्तेमाल हुए इंजेक्शन, पुराने बिजली के तार, पुराने मोबाइल फोन्स, रसोई का कचरा, पुराने बर्तन और पुराने कपड़े जैसी और कई चीजों के कचरे का इस्तेमाल के बाद होता क्या है? पड़ गए ना सोच में? तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें से बहुत सी चीजें जैव निम्नकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वह वातावरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित की जा सकती है, जैसे कि सेब और कुछ प्रकार के कपड़े। परंतु इसमें से ज्यादातर वस्तुएं अजैव निम्नीकरणीय है मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वह वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं की जा सकती है, उदाहरण के लिए प्लास्टिक, बैटरीज इत्यादि। तो इसी कचरे को व्यवस्थित करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं, और इसके लिए सरकार द्वारा स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने जगह जगह पर डस्टबिन रख दिए हैं और सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और आपको भी इस योजना में साथ देना है और अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी है, वरना आने वाले समय में मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है और आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ प्रश्न करने हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न जरूर करें। धन्यवाद।